जब आप चार्जशीट पढ़ते हैं तो कई बार आप देखते हैं कि कुछ गवाह बिल्कुल भी ध्यान आकर्षित नहीं करते हैं। उनके बयानों में बताई गई बातें इतनी कम होती हैं या इतनी छोटी होती हैं कि ना तो प्रोसिक्यूशन और ना ही डिफेंस उन्हें किसी भी गिनती में रख पाते हैं। उन लोगों को फॉर्मल विटनेस कह दिया जाता है और फॉर्मल विटनेस कहकर अनदेखा कर देते हैं। प्रोसिक्यूशन उन्हें तारीख के दिन पहले से फाइल पढ़वा कर अपना समय नष्ट नहीं करता, क्योंकि वो मेरिट पे तो कुछ कहने वाले हैं नहीं। और डिफेंस वाले कहते हैं कि कोई भी जूनियर भेजकर चार सवाल पूछ लो, फॉर्मल विटनेस से क्या होने वाला है। लेकिन इस बाबत हमारा मत बिल्कुल दूसरा है। हम यह मानते हैं कि हर गवाह एक रिसोर्स पर्सन होता है, उसमें अनंत संभावनाएं होती हैं। उन अनंत संभावनाओं में से कितनी संभावनाओं को आप अपने अनुकूल बना पाते हो, यह आपकी सामर्थ्य पर निर्भर करता है और आपके पूछे गए सवालों पर निर्भर करता है। वह कितना भी छोटा गवाह हो, बड़े बड़े केसेस को पलट कर रख देता है। हमारा व्यक्तिगत मत यह है कि गवाह अगर कुछ और नहीं जानकारी दे रहा है तो उसे दूसरे गवाहों को डिस्क्रेडिट करवाने के लिए काम में ले लीजिए, पुलिस केस को पलट देने के लिए काम में ले लीजिए। जो बात उस पे पूछवाई नहीं गई है रिकॉर्ड पर, उस बात को आप पूछ लीजिए ताकि वह ऐसा कुछ कह जाए कि पुलिस भौचक्की होकर देखती रह जाए और प्रोसिक्यूशन के हाथों के तोते उड़ जाए। और ऐसा एक नहीं कई केसेस में हमने करके देखा है, इसमें सफलता मिलती है। लेकिन यहाँ भी क्रॉस एग्जामिनेशन के दोनों फंडामेंटल रूल्स आपको याद रखने पड़ते हैं। पहला रूल है, आपके क्रॉस एग्जामिनेशन में ऐसा सवाल ना पूछा जाए जिसका आपको पता ना हो कि गवाह क्या उत्तर देगा। और दूसरा फंडामेंटल रूल है, कोर्ट प्रेशर मैनेजमेंट के लिए हमेशा अपने क्रॉस को लिख कर रखें, केवल उतना ही ओरल और इंस्टेंटेनियस क्रॉस एग्जामिनेशन करें जितना कि तात्कालिक रूप से उस रिटन क्रॉस एग्जामिनेशन में से पैदा हो गया हो। और यह सब कैसे संभव हो पाता है, इसको आज हम एक उदाहरण के साथ देखते हैं। बागपत का केस था, 302 और 307 मुख्य आरोप लगे हुए थे। चार्जशीट पढ़ते हुए एक पंचनामा गवाह पर हमारी नजर टिक गई। हमें उसका नाम कुछ पहले पढ़े हुए जैसा लगा। हमने पूछा तो पता चला कि वह एक पार्टी का छोटा मोटा नेता है और हमने कहा कि इसको ठीक से क्रॉस किया जाना होगा, हो सकता है कि यह हमें बहुत हेल्प कर दे। ऐसी सीध बनी कि उनके क्रॉस एग्जामिनेशन वाले दिन मुझे किसी अन्य काम से बागपत जाना था, तो यही तय हुआ हमारे चैम्बर में कि इसे मैं ही क्रॉस करता हुआ आगे निकल जाऊंगा अपने काम से। इंडियन लीगल सिस्टम से सहायता पाने के लिए इसका मेंबर होना जरूरी है। जब आप सामने लिखे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो तो तत्काल ही आपको विधि लिखकर भेज दी जाती है, जिसके द्वारा आप हमारे मेंबर बन सकते हैं और हमारी सर्विसेज का लाभ लेते रह सकते हैं। इसलिए केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा ही संपर्क करें। कोर्ट में उस दिन का क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू हुआ। हम क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू करने ही वाले थे। उस गवाह का नाम संसार सिंह था। हमारी नीति के अनुसार हम सब नाम यहाँ बदल कर बताते हैं। हमने शुरुआत में ही एक चुटकी उनसे ली और गवाही रिकॉर्ड होने से पहले हमने उन्हें बोला, इतने बड़े आदमी को पुलिस ने इतना छोटा गवाह बनाया है, लगता है कि दरोगा जी अपना आगा पीछा नहीं सोचते हैं। गवाह ने हमारी ओर देखा और कहा, वकील साहब, पुलिस तो अपने से बड़ा किसी को नहीं मानती है, अपनी अपनी सोच है। हमें पता लग गया कि मुर्गी दाना चुग गई है। हमने फिर चुटकी ली, इजाजत दें तो क्रॉस शुरू करें संसार सिंह जी। और संसार सिंह को अपनी बुलंदी का एहसास हो गया था कि अदालत में कोई उनसे पूछकर आगे बढ़ने की इजाजत मांग रहा है। उन्होंने कहा, जी जी वकील साहब, सवाल पूछो। हमने क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू किया। संसार सिंह जी, इस गांव में कितने दिनों से रहते हैं? उन्होंने कहा, यह हमारे पूर्वजों की भूमि है, इसका कण कण उनके रक्त और पसीने से बना हुआ है। उनका जवाब सुनकर बीच में कोर्ट की टिप्पणी आ गई, केवल सामान्य भाषा में अपनी बात कहें जो रिकॉर्ड की जा सके। और कोर्ट में लिखवाया गया जो उन्होंने ऊपर उत्तर दिया था, उसका अर्थ लिखवाया गया, मैं यहीं का मूल निवासी हूँ। हमने अगला सवाल पूछा, तो जब दोनों पक्षों की लड़ाई हुई तो आपने उनको समझाया नहीं कि लड़ाई ना करें, क्योंकि नेता आमतौर से समझाने का काम करते हैं और ये नेता थे। उन्होंने उत्तर दिया, नहीं जी, समझाया था मैंने। जब लड़ाई शुरू हुई तो मैं दो खैरी दूर अपना ट्रैक्टर चला रहा था, ये दोनों अपनी अपनी छोल में थे, मैंने वहीं से चिल्ला के बात कही थी। खेत में खड़े गन्ने को काटकर साफ करके उसके छोटे छोटे बंडल बनाने को हम लोग छोल कहते हैं। हमने अगला सवाल पूछा, तो फिर भी नहीं रुके ये लोग, आपके कहने के बावजूद भी नहीं रुके? उन्होंने जवाब दिया, देखो जी, लड़ाई की गर्मी में कौन रुकता है, गर्म खून होता है इन युवाओं का। और कोर्ट में लिखवाया गया कि मैंने लड़ाई रुकवाने की कोशिश की परंतु असफल रहा।
पब्लिक प्रोसिक्यूटर हमारी चाल को भांप रहे थे क्योंकि ये कोर्ट में रोजाना की प्रक्रियाएं होती हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर डिफेंस को पहचान जाते हैं और डिफेंस वाले पब्लिक प्रोसिक्यूटर को पहचान जाते हैं। उन्होंने कहा कि जनाब ये गवाह तो केवल पंचनामे का गवाह है और डिफेंस काउंसिल पता नहीं किस बात पर क्रॉस कर रहे हैं, ये मेरा गवाह है, मैं तो इसे पक्षद्रोही यानी कि होस्टाइल घोषित करवाने के लिए जनाब से रिक्वेस्ट करता हूँ। मुझे पता था कि ये क्या हो रहा है। प्रोसिक्यूशन के इस अपडावे सभी एडवोकेट रोजाना देखते हैं कोर्ट्स में कि किस तरह से वो अपने गवाहों को ऊपर नीचे करते रहते हैं। हम भी पूरी तरह से तैयार थे। मैं कोर्ट की तरफ मुखातिब हुआ और मैंने कहा, योर ऑनर, आई हैव एन ऑब्जेक्शन। अ विटनेस इज होस्टाइल ओनली इफ ही रिजाइल्स फ्रॉम हिज स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 सीआरपीसी। दिस विटनेस हैज सपोर्टेड द प्रोसिक्यूशन केस डिपोजिंग दैट ही हैड आइडेंटिफाइड द डेड बॉडी एंड ओपाइंड फॉर कंडक्टिंग ए पोस्टमार्टम। जनाब गवाह ने अपने 161 के बयान पूरे माने हैं, शव की पहचान की है और पोस्टमार्टम किए जाने की बात कही है। इन्होंने प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट किया है तो इनको पक्षद्रोही या होस्टाइल विटनेस कैसे घोषित किया जा सकता है। उधर संसार सिंह ने भी सुन लिया था कि ये जो सरकारी वकील है यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, ये तो उनकी इज्जत कम करना चाहता है। दोबारा सवाल पूछने से पहले हमने एक तीर और छोड़ दिया। इतने सम्मानित व्यक्ति को आप द्रोही कह दें, इन्हें पक्षद्रोही ना कहो पीपी साहब। और हम देख रहे थे कि अब संसार सिंह उनके गवाह ना होकर हमारे गवाह हो चुके थे। हमने सवाल पूछा तो संसार सिंह जी, जहां डेड बॉडी पड़ी हुई थी वहां से खून, पलकटी, लाठी, भाले वगैरह कहां चले गए और पुलिस को कैसे नहीं मिले, ये बात जरा समझा के बताओ। पलकटी, मुड़ी, कुल्हाड़ी जैसा एक औजार होता है जो खेत से गन्ने काटने के काम में आता है। तो उन्होंने जवाब दिया संसार सिंह ने, देखो जी, खेत नंबर 7 में मरने वाले रामपाल ने और उसके भाई महिपाल ने इकबाल वगैरह पर यानी कि आरोपियों पर लाठियों से और भाले से वार किया था। फिर आरोपी इनके पीछे भागे थे पलकटी लेकर। इन्होंने, इकबाल वगैरह ने, खेत नंबर 3 में जाकर रामपाल के पलकटी मार दी। लंबी लड़ाई हुई थी साहब इन दोनों के पक्षों के बीच में। हमने सवाल पूछा, लेकिन पुलिस को लाश तो चक्रोल पर मिली थी, नक्शा भी चक्रोल का बना हुआ है, तो वहाँ लाश चक्रोल पर कैसे आई? चक्रोल का मतलब होता है खेतों के बीच में बना हुआ रास्ता। तो संसार सिंह ने जवाब दिया, मरने वालों के घर वालों ने चक्रोल पर लाश रखी थी गांव की मेन सड़क पर ले जाने के लिए। गांव की पक्की सड़क को बंद करने का प्रोग्राम था, लेकिन इससे पहले कि लाश गांव में पहुंचती, पुलिस खेत पर पहुंच गई। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को मिर्गी के दौरे पड़ने शुरू हो गए थे। बोले कि जनाब, ये तो हमारा केस खराब करने के लिए गवाह को खरीद लिया है, मेरा ऑब्जेक्शन लिखे जनाब। हमने कहा, जनाब इनका ऑब्जेक्शन करना तब वाजिब है जब डिफेंस ने कानून के विरुद्ध कोई सवाल पूछा हो। ये कानून का उल्लंघन बता दें तो हम वह सवाल ना पूछें। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हालत बिगड़ने लगी थी। बोले, जनाब मेरी तबीयत खराब है, आज की तारीख दे दो। हमने कहा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब का चीफ पूरा हो चुका है, ये चाहें तो चले जाएं, हम पीछे से क्रॉस कर लेंगे और फिर आप जनाब तो कोर्ट में हैं ही। कोर्ट ने कहा, ठीक है, पूछिए आप। हमने सवाल पूछा संसार सिंह से, तो फिर पुलिस आईओ को किसी ने यह नहीं बताया कि लाश लड़ाई की जगह खेत नंबर 7 और 3 से चक्रोल पर कैसे आ गई थी? उन्होंने जवाब दिया, बताया था मरने वाले के पिताजी ने बताया था, लेकिन जब ये बात दरोगा जी ने सुनी तो ये बात सुनकर दरोगा जी चिंगर गए थे। बिना इजाजत के लाश मौके से क्यों हटाई? चिंगर गए थे का मतलब है चिढ़ गए थे। उन्होंने कहा, तुम लोगों ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है, इसलिए मैं यहीं का नक्शा बनाऊंगा मौका का। मुझे तो लाश यहीं पर दिखाई दी है, इसीलिए नक्शा चक्रोड़ का है, जबकि लड़ाई खेत में हुई थी। हमारे मतलब कि बहुत सारी चीज रिकॉर्ड पर आ गई थी। हमने उनका धन्यवाद कहकर क्रॉस बंद किया। कहा कि संसार सिंह जी, अब आप सीनियर हो गए, अब तो इलेक्शन लड़ ही लीजिए। तो वे बोले कि इस बार उम्मीद है। उसके बाद हमने आरोपी इकबाल को कहा, अब भगवान को धन्यवाद दो और संसार सिंह को भी दो, इनके कारण ही अगली तारीख से पहले तुम्हारी बेल एप्लीकेशन लगवा रहे हैं। आपकी तरह बहुत से व्यूअर्स कानून को लेकर भ्रम के शिकार हैं। उन्हें नहीं पता कि सही रास्ता क्या है। उनके वकील उनसे बात छुपाते हैं, कोर्ट में उनकी बात सुनी नहीं जाती है। ऐसे में आप अपनी मुश्किल को हमसे पूछकर हल कर सकते हैं। हम अपने मेंबर्स के लिए कानून का पथ प्रदर्शन करते हैं, उनके लिए कंसल्टेशन देते हैं, रिटर्न कंसल्टेशन देते हैं, इंटेंसिव कंसल्टेशन देते हैं, बेल, प्रिंट, क्रॉस एग्जामिनेशन, रिप्लाई, प्लीडिंग, आर्गुमेंट्स आदि में हम अपने क्लाइंट्स की सहायता करते हैं। यदि आप नए एडवोकेट हैं तो भी हम आपका पूरा सहयोग करते हैं और आपको कोई मुश्किल नहीं आने देते हैं। सारे भारत देश से केसेस, सवाल, सहयोग की पुकार हम तक आती है
और हम उसे पूरा करने में जुटे रहते हैं। हम आपकी सहायता भी करेंगे, आप हमें अपनी मुश्किल तो बताइए, हम इसके लिए प्रणबद्ध हैं। आप हमें अपनी कानूनी जरूरतें बताएं। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपकी सरल भाषा में दी गई हैं, उन्हें पढ़ें और सीखें। आपका ज्ञान आपका हथियार है। इस चैनल की हर एक वीडियो में फॉल्स एलिगेशन से बचाव की युक्ति दी गई है, उसे देखें, वह आपकी सहायता करेगी। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई नई वीडियो आपसे छूट ना जाए। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।